इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे, कहो तो मैं लिख के दे देता हूं, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। फंड मैं कह रहा हूं ना, कहीं से लेके आऊं? पहले ये कहते थे दिल्ली सरकार में फंड की चिंता, हमारे टाइम में तो समस्या नहीं। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को नया पैसा नहीं दिया, हमारा जो हक था वो भी नहीं दिया दिल्ली सरकार को, कुछ नहीं दिया। हम तो नहीं चिल्लाए, बच्चों की तरह नहीं रोते, हम गाली गलौज नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, काम करते हैं। भ्रष्टाचार खत्म कर दो, पैसे ही पैसे आ जाएंगे, फिर हो सकता है एमसीडी से थोड़ा सा पैसा इनके नंबर 2 को भी पहुंचा दें हम। ये डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी डरती है तो केवल आम आदमी पार्टी से डरती है, और आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए उन्होंने दोनों चुनाव साथ कराए हैं कि आम आदमी पार्टी के जो रिसोर्सेज हैं, केजरीवाल का टाइम है, ये बट जाए दोनों तरह। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप जो मर्जी कर लो, जनता जब मन बना लेती है, आम आदमी पार्टी ताकतवर नहीं है, केजरीवाल ताकतवर नहीं है, जनता ताकतवर है। जनता ने मन बना लिया कि एमसीडी में भी हमें आम आदमी पार्टी को लाना है और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को लाना है, तो ये जो मर्जी षड्यंत्र रच लें उसका कोई असर नहीं होने वाला। वहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, जनता के साथ मिलके करेंगे, सब करेंगे, सब होगा। ऊपर वाला हमारे साथ है, ऊपर वाला सच के साथ होता है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हम गुंडागर्दी नहीं करते, और जो हम करते हैं, हम बिजली मुफ्त करते हैं, ये नहीं कर सकते। हम 24 घंटे बिजली देते हैं, मुफ्त में देते हैं, ये ऊपर वाले से वरदान मिला हुआ है मेरे को, इनको नहीं मिला हुआ। ये जादू मैं ही कर सकता हूं और कोई कर ही नहीं सकता। हम स्कूल ठीक करते हैं। Arvind Kejriwal there promising to solve all the woes of various wards in the run-up to the MCD elections, making that charge. The Delhi municipality election and Gujarat elections have been timed to split the resources of Aam Aadmi Party. We'll see how that is countered by the BJP.